ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। बालों का जिक्र आप सब लोगों ने शायरों की गजल, कवि की कल्पनाएं और आजकल के हिंदी गानों में सुना ही होगा। मगर आज के समय में जब लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि स्ट्रेस, पोल्यूशन या फिर टर्मिनल इश्यूज, हेयर लॉस एक बहुत बड़ा इश्यू आज की दुनिया में है और लाखों करोड़ों लोग इससे जूझ रहे हैं। इमेजिन करें कि अगर एक मैजिक मिरर हो हमारे पास, एक ऐसा मैजिक मिरर जिसमें हम जैसा अपना लुक चाहें वैसा हम उसमें देख सकते हैं। अभी तक तो ये मैजिक मिरर एक कल्पना रहा है, लेकिन अब इस मैजिक मिरर को हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। इंट्रोड्यूसिंग हेयर ओरिजिनल्स, मेरा नाम पीयूष है। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा नाम आशीष है। हेयर ओरिजिनल्स इंडिया का पहला ऐसा ब्रांड है जो 100% नेचुरल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस को मैन्युफैक्चर करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर एक्सटेंशंस, जैसे परमानेंट हेयर एक्सटेंशंस जो कि सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड में रहते हैं, टेम्परेरी हेयर एक्सटेंशंस जो DIY काइंड ऑफ एक्सटेंशंस होते हैं, और विग्स। ये सारी कैटेगरीज को हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एंड कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अब ये तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में रहने वाली एक लड़की राधिका को अगर ये परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस कराने हो तो वो सही दाम पर 100% नेचुरल क्वालिटी प्रोडक्ट कहां से ले? राधिका सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ में बैठकर ऑनलाइन हमारे वेबसाइट को ओपन करती है और उसका जो भी मनपसंद हेयर एक्सटेंशन है वो चूज करती है और परचेज कर सकती है। बस यही नहीं, प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ वो इनफैक्ट सलोन भी चूज कर सकती है अलीगढ़ का, जहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन का इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से। यानी कि एंड टू एंड सॉल्यूशन मार्केट के कॉस्ट से 1/3 प्राइस पर। भारत से हर साल अरबों खरबों का रॉ मटेरियल ह्यूमन हेयर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि भारत पूरी दुनिया में अकेला इसका एकमात्र एथिकल सोर्स है। वो एथिकल सोर्स है हमारे भारत के मंदिर, टेम्पल्स, जहाँ लोग अपने हेयर डोनेट करते हैं। हमारा विजन है कि हम इस सोर्स पे बैठ के हेयर ओरिजिनल्स को एक ग्लोबल ब्रांड बनाएं और दुनिया भर के कस्टमर्स तक हमारे प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं। मैं शार्क्स के सामने जो आस्क रखना चाहता हूँ वो 60 लाख रुपए है 2% इक्विटी डाइल्यूशन पर। हम आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हैं एक मॉडल पे। जरूर दिखाएंगे। जरूर, मुझे लगा आप अपने पे दिखाएंगे। ये तो मेरे ऑलरेडी पहन के आए ना। नहीं नहीं, ये मेरे ओरिजिनल। हाय शार्क्स, ये है मेरे बाल, अच्छे है ना? बहुत सुंदर। पर अब मैं दिखाती हूँ अपने ओरिजिनल बाल। अनुपम अपने भी निकाल दो जॉब। ये है मेरे बाल, बट बहुत पतले हैं। बट थैंक्स टू हेयर ओरिजिनल्स जिसने मेरे बालों को वॉल्यूम दी। ब्यूटीफुल। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। पहले जानना चाहता हूँ कि किसके बालों से ये आइडिया निकला? मैंने IIT दिल्ली से 2008 में अपना बीटेक किया और उसके बाद 11 साल तक मैं करीब 40 देशों में मैंने काम किया। Oh, wow. स्पेशली अंगोला और फ्रांस, US, इन जगहों पे जब मैं रहा तो मेरे कलीग्स की वाइफ, उन लोगों ने मेरे से बोला कि क्या तुम इंडिया से हमारे लिए बाल ला सकते हो? तो उसके बाद मैंने आशीष, जो मेरे को फाउंडर है IIT खड़गपुर से हैं, मैंने वहीं से इनको कॉल किया। एक छोटा सा सवाल था कि अगर तुम्हारे घर के बाहर बहुत सारे बाल पड़े हों तो तुम क्या करोगे? ऑब्वियस आंसर था कि मतलब उसने कहा उठा के फेंक दूंगा। आपने फोन नहीं रख दिया? नहीं, फोन रखता, लेकिन जब मैंने अगली लाइन बोली ना कि वो जो बाहर रखा हुआ है ना वो चांदी रखी हुई है। एक्चुअली इस प्रोडक्ट की B2C कॉस्ट मार्केट में, US में, हर जगह चांदी से ज्यादा है। अरे वाह, पर ग्राम। पर ग्राम। सो ये एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। जब हम लोगों ने इस चीज़ को मिलकर शुरू किया तो धीरे धीरे समझ में आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कुछ चीज़ों में हमें और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप डाले। तो पीयूष भी मेरे एक कॉमन फ्रेंड ही रहे हैं हमेशा से, और इनके मैन्युफैक्चरिंग में प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे, तो वहाँ से इस तरह से हमारी कहानी शुरू हुई। हेयर कलर को ये एक्सटेंशन मार्केट रिप्लेस करेगी? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अगर आप, शायद आप मेरे से बेहतर जानते हो, एक जब कोई फीमेल अपने बालों पे कलर कराते हैं, बहुत अच्छा ब्रांड या जो भी हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं इवेंचुअली एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है। मैं आपको आंसर करूं एक क्वेश्चन, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आप कलर कराती हैं? हाँ, क्योंकि
ऐसे ब्राइट कलर्स ना डार्क ब्लैक हेयर पे आना बहुत मुश्किल है. तो मेरा जैसे हमेशा से सपना मुझे रेड हेयर चाहिए, पर मेरे बाल पे रेड कलर हो ही नहीं सकता. तो आपकी अभी तक सेल कितनी रही है? तो हम लोगों ने जस्ट बिफोर कोविड यानी कि अराउंड दिसंबर 2019 से मार्केट में शुरू किया. उससे पहले 2-2.5 साल की रिसर्च. तो अगर हम इसी क्वार्टर की इसी फाइनेंशियल की बात करें तो पिछले करीब 5 महीने में हमने 2.5 करोड़ के आसपास का हमारा सेल है. पिछले महीने कितना किया? पिछले महीने हम अराउंड 55 लाख के आसपास थे. तो इसकी आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग मिला के क्या कॉस्ट आती है, मार्जिन क्या है इसमें? ओके, तो अगर हम सोर्सिंग की बात करें तो सोर्सिंग प्राइमरली हम साउथ के टेम्पल से करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने गुड़गांव में सेटअप किया हुआ है. तो जहां तक बात रही मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स ग्रॉस मार्जिन्स लगभग 60-65% इसमें. वाओ, वेरी लवली. मुझे ये बताओ, आप लोग पैसा बना रहे हो? हम लोग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में हैं. और आप लोग सैलरी देते हो अपने आप को? हम लोग अभी अपने आप को कोई सैलरी, अगर आप अपनी सैलरी लगाओ तो लॉस हो जाएगा ना? नहीं, टोटल मानूं तो हमारा जो हमने पैट निकाला हुआ है तो हम अराउंड 15% पैट पर लेकर. कितना हुआ वैल्यू टर्म्स में, कितना पैसा कमा लेते हो? 7.5-8 लाख. यस. अभी तक आपकी कंपनी आप ही के नाम पे है? हाँ. किसी और को नहीं दिया हुआ कोई? नहीं, हम लोगों ने इनिशियली एक एंजल राउंड रेज किया था. क्या फंडिंग? हमने सिर्फ 1 CR का राउंड रेज किया था और 10 CR उसके लिए हमने 10 CR की वैल्यूएशन पे इसको. ये ब्रांड क्या बनाया भाई आपने, इसको प्रोटेक्ट कर पाओगे? ये तो जेनेरिक वर्ड है, मतलब हेयर ओरिजिनल्स. आप इसको ब्रांड कैसे बनाओगे? हमने एक्चुअली ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर किया हुआ है. ठीक है, लेकिन चैलेंज हो जाएगा. ये आपका ना बहुत सही बिजनेस है. आप लोग क्रैक मार सकते हो, IIT के लोग हो, फाड़ू लोग हो. इसमें खाली आपकी सही टीम है, एक ना आपको ब्रांड का बंदा चाहिए. आपको लगता है नहीं? वैसे ऑफेंड हो गए थे, तूने बोला ब्रांड ही अच्छा नहीं है. यार क्या इतना बढ़िया ब्रांड है यार. यार मुझे लाल बाल लगाने दो ना प्लीज. अरे लगा ले, आप लगाओ यार, एक बार लगाने तो दो उनको लाल बाल. लगाने से सपना है अमन, उनका सपना तो पूरा करने दो यार. I love the look. It's fantastic. Keep it, keep it. मुझे feel हो रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. तो मैं और विनीता आपको ऑफर देना चाहते हैं. हमें लगता है कि आपकी जो पुरानी वैल्यूएशन थी वो ठीक है, तो हम भी उसी वैल्यूएशन पे आना चाहते हैं. हाँ बोल दीजिए ना, कितना परसेंटेज? 60 लाख रुपए फॉर 10 करोड़ वैल्यूएशन, तो वो बनता है 6% 60 लाख रुपए 5% 5% 3 sharks है. पीयूष, मैं आपको कोई नहीं चाहिए. और आपको ये जो टेक्नोलॉजी वाला एंगल है, सुनो, आपको आता है ना, बना लोगे ना, तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में ब्रांड बनाएंगे और D2C में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. इसको हम BNPL पे बेचेंगे. बाल लाओ, पे लेटर. आपका कंज्यूमर 25 साल की लड़की, मेरा कंज्यूमर कौन है? Exact same. और मेरे को अपने बारे में बोलने की जरूरत ही नहीं है. नहीं नहीं जितेंद्र, मैं देख, जितेंद्र सुन, आपको मेंटर की जरूरत. एक मिनट रुक जा जितेंद्र, तू स्मार्ट लड़का है, देख अब तेरे को ही पता है वैलिडेशन जरूरी होती है. तू यहाँ पे आया, तेरे को 5 जज से वैलिडेशन मिल गई, ठीक है, TV पे वैलिडेशन मिल गई, तो अब तो कुछ सवाल बचा नहीं ना, ब्रांडिंग तो हो गई ना. आपको ये बोलता हूँ, आपके पास दो ऑफर है. एक ऑफर है, हाँ. 3 शार्क है यहाँ, यू नो, अनुपम, पीयूष और अश्नीर भाई, 5% के लिए 60 लाख. दूसरी तरफ है विनीता और मैं, सेम ऑफर, 60 लाख रुपए 6%. अब आप काउंटर ऑफर दोगे, बाहर जाके डिस्कस करो और आओ और सोचो आपके लिए कौन सबसे ज्यादा यूजफुल है यहाँ. जाओ. विनीता, जाने मत जाना, ले लेंगे, लड़ लेंगे, ठीक है, वो वापस आने, अगर जाना पड़े तो लड़ लेंगे, ठीक है. जो 4 कहेंगे मानेंगे ना, 3 कहेंगे तो एकदम डेड हो जाएंगे. 4 कहेंगे तो कितना हो जाएगा? पर ये 3 आपस में कैसे लड़ेंगे? अच्छा बच्चू, अभी कल तक तो विनीता से बहुत लड़ रहे थे तुम. अरे तुमसे डील नहीं करूंगा मैं. अच्छा विनीता, जो डील करेगी उसको तोड़ दो. नो, आई डोंट हैव. अभी सब बदल गया. All right, guys. Woohoo! Yeah,
क्या सोचा तो भाई? क्या सोचा, ब्रांड बनाना है कि क्या? कुछ नहीं करना। अश्नीर एंड मैं आप लोगों से, आप क्या आप लोग हम काउंटर ऑफर करें 4% बिल्कुल बटी के साथ? विनीता और मेरा काउंटर, हम लोग दोनों 4% पे आते हैं, बोल हाँ या ना? डील एक साइड है। यार विनीता नहीं ले रहा, तो विनीता आप लोग क्या दोनों अपना कुछ, जैसे आप काउंटर ऑफर दे रहे थे आप बता सकते हैं क्या अपना था? मैं और विनीता, बोल भाई उसको ऐसे नहीं होता है, बंदूक रख के थोड़ा वो उसको रिस्पेक्ट इज्जत तो दो यार, वो कोई जो इन्वेस्टर आपको इज्जत नहीं देता उससे आप डील करोगे? क्या कमाल है। एक सेकंड, आप अपना काउंटर ऑफर करिए पहले, जो अब ओरिजिनल बात थी। मैं और विनीता 4%। क्या अश्नीर, अनुपम, पीयूष 4% का काउंटर ऑफर आप भी एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्टेड, डन। साइलेंस, अमन साइलेंस इज गोल्डन। अरे बच गए पैसे, बाल 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 बच गए हमारे पैसे। अभी मैं आपके बाल वापस नहीं करती, पर मैं घर लेके जा रही हूँ। फोटो ले लेते हैं, फिर अमन के ब्रांड से भी डील कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं विनीता जब जब आपके साथ आया हूँ ना, मैं हारा हूँ।